वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशुतोष चौधरी। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ पंचेस को फास्ट हम कैसे मारते हैं। हम सब पहले बात कर चुके हैं कि हम पंच को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और पंच को सही तरीके से कैसे मारें। भाई अगर पंचेस को अगर फास्ट आप नहीं मारते तो ये सब आपका जो पंच स्ट्रॉन्ग हुआ और सही तरीके मारना वो सब बेकार है। तो चलिए शुरू करते मेरे चैनल पर आपको सिखाता हूँ मार्शल आर्ट्स एंड डिफेंस ऑफ फिटनेस रिलेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप पहले देख लीजिए कि हम जो मारते हैं फास्टेस्ट पंच वो आपको कैसा दिखता है। ध्यान से देखिए, ऐसा दिखता है हमारा फास्टेस्ट पंच। ये जो है हम एंडिंग करने का स्टाइल है। अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं कि रोड फाइट में मान लीजिए ये मेरा ओपोनेंट है, ओपोनेंट अगर दूर खड़ा है, इतना भी दूर खड़ा है, तो मैं इसे किक को एडजस्ट करके मार सकता हूँ। अगर वो हमारा पास खड़ा है तो मैं हमारा किक जो है वो नहीं उठेगा। आप देख लीजिए, अगर वो मुझसे पूरा सटा है मैं से किक मारूंगा तो नहीं लगेगा। अरे ये मैं जो टाइकोंडो वाला किक जो पॉइंट लेने के लिए मारता है ये किक के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हम जो नॉर्मली मारते हैं तो ऐसे राउंड हाउस मारते हैं या हम हैमर मारते हैं, ये सब किक नहीं काम करता। देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, अगर हम पास खड़े हैं भाई एक पंच में ही दुश्मन ढेर, एक पंच में ही इससे जो नाक पर लगेगा तो वो ढेर है। लेकिन आपको पंच फास्ट मारना है, वो भी कुछ सीखा है, उसको भी कुछ पता है। आपको ये नहीं समझना है कि मैं ऐसे मार दूंगा तो ऐसे है। आपको फास्ट मारना है। देखिए कितना फास्ट लगा तो दुश्मन को पता भी नहीं चला। इसके लिए मैं आपको कुछ वर्कआउट्स बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, ऐसे करना है, अपने हाथों को कोई भी बंदा कर लेगा, इससे आपका हाथ फ्री होगा और फास्ट होगा। 1 2 देखिए कैसे करना है, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, फिर आपको व्हील की तरह घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं इसे स्लो के दिखा रहा हूँ, इसे जोर से मारो तो कैसे 1 2 3 4 भाई ये हो गया आपका फर्स्ट वर्कआउट। सेकेंड वर्कआउट के लिए आपको 2 वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे मिनी साइज का वाटर बॉटल जो कि आपके हाथ में अच्छी तरीके से आ जाए। कोई लोग सब कहते हैं कि ब्रिक्स लेके आप वर्कआउट करें, लेकिन ब्रिक्स ठीक नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं आएगा और आपके पैर में ना जाने अनजाने में अगर गिर पड़ा तो आपको गंभीर चोट दे सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे यूज़ करिए, ये आपके लिए सेफ होगा और इफेक्टिव होगा। ये भाई मेरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करने के बाद आपको सेम टू सेम ऐसे करना है। देखिए अभी आप फील कर रहे होंगे कि आपके हाथ में कोई वेट आया है, वेट आने के बाद आपको करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी रिदिम में उसे कर सके। देखिए मैं उसी रिदिम में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उसी रिदिम में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लगभग आसपास कर सकते हैं। देखिए आपके हाथ में अगर पेन हो रहा है तो रिलीफ कर लीजिए, फिर रिलीफ करके फिर प्रैक्टिस कीजिए। भाई इससे फास्ट और जो खाली हाथ में और ये आपको बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसीलिए इसके चलते आपका पंच इतना फास्ट बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए थर्ड वर्कआउट में बता रहा हूँ, आपको पंच मारने के एंगल पे बैठ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए ये जो है हमारा पंच मारने के एंगल है, ऐसे हम बैठ जाएंगे। देखिए आपको जैसे आप सोचो कि जैसे आप चेयर में बैठे हो, वैसे आपको यहाँ बैठना है। और आपको कौन सा पंच मारना है, लोअर पंच मारना है। एक पंच मारोगे तो दूसरा यहाँ रहेगा, फिर
ऐसे आपको मानना है, पहले धीरे धीरे कीजिए और फिर एक हफ्ते के बाद अपने रफ्तार को बढ़ाइए। ये हो गया आपका जो पंच वन है, वह है लोअर पंच। लोअर के बाद मिडिल मारो, फिर फेस पंच मारो, भाई मैं आपको पंच में डिफरेंस क्यों नहीं बताया, उसका रीज़न यही है कि हम सब पंच माना पहले से ही जानते हैं। अगर मैं आपको बताता कि लोअर पंच, मिडिल पंच और फेस पंच, आप सोचते हैं कि ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। आप सबको पता है ये हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है, आप जानते हैं, लेकिन आपको इसे फास्ट कैसे करना है और इम्पोर्टेंट तरीका मैं आपको सब बता रहा हूँ, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए ध्यान से कीजिए, अगर पंच मारने के एंगल नहीं है तो ऐसे खड़े होकर भी आप प्रैक्टिस करके जोर लगा सकते हैं। अब हम आपका जो हाथ में वेट है इसको रख लीजिए, नीचे रख लीजिए और फिर आप वही एंगल पर टेस्ट कीजिए। देखिए आपका हैंड ऑटोमेटिकली इसके वजह से स्पीड होता है, क्योंकि आप ये जो वेट रख के आप जो कर रहे थे वो चाहे जितने मिनट का हो तो आपका हैंड उससे एडजस्ट हो चुका है। अगर आप खाली पे करोगे तो आपका हैंड बहुत स्पीड हो जाएगा। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपको हर दिन ये प्रैक्टिस नहीं करना है, हफ्ते में एक एक दिन गैप रख लीजिए, उसी दिन आप प्रैक्टिस करें। जैसे आपका जो फास्टेस्ट पंच कंप्लीट हो जाए तो इसे आप दो दिन कर लीजिए। मैं आपको वर्कआउट का रूटीन बता दूंगा किसी दिन आपको क्या करना है। तो आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक गुड बाय, जय हिंद जय भारत। हमारे कमेंट बॉक्स को भर देना और हम लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इस सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, स्टे होम स्टे सेफ।